कि कोई आगे ले जाएगा, ऐसे ले जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोशिश करो, बैठ कर मंथन करो कि हमारे कहां लॉन्स कमजोर है, कहां ताकतवर है, क्या हम चीज सामने रख सकते हैं। आपने जीएसटी नंबर दे रखे हैं, बुला लो जीएसटी की बात को। कैसे सर गए क्या तुमने, कैसे दिया जीएसटी नंबर, कैसे ले रहे हैं आप टैक्स? राजकोष आपका मुंह बढ़ रहा है, राजकोष से ही सारे कार्य होते हैं। ये सरकारी कर्मचारी हमारे से जो राजकोष जाता है वही मिलता है इनको। मुजफ्फरनगर के एसडी मार्केट में एसडी कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ व्यापारियों ने एक बैठक की और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी ने जांच में एसडी और झांसी की रानी मार्केट को सरकारी जमीन पर होना बताया और इसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। उसी के संबंध में गुरुवार को एसडी कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने एसडी मार्केट स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में बैठक की, जिसमें संस्था के प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि ये संस्था 1908 से चली आ रही है और हमारे पास इसके सभी कागजात मौजूद हैं, जो जिलाधिकारी को दिखाए जाएंगे और अपना पक्ष रखा जाएगा। जांच में पाया गया कि ये मार्केट सरकारी है। देखिए, जांच की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई है, ठीक है। जांच क्योंकि उन्होंने अपने की है, उसका कोई हमें बुलाया नहीं गया, हमें कभी बुलाया भी नहीं गया इसमें कि हमें अपना पक्ष रखने के लिए जाए। और ये संस्था 1908 से है, चली आ रही है, उसके सब कागज हैं, जब हम दिखाएंगे तो जिलाधिकारी महोदय सब प्रशासन सब संतुष्ट होगा। दोबारा बताया गया कि लीज पे थी, उसका टाइम पूरा हो गया। जी नहीं, लीज पे जो है, जो यहाँ पे एक नाला था जो 270 स्क्वायर फीट का था, उसके कागज भी हमारे पास हैं। हमने भी मार्केट के पदाधिकारी को भी वो 70 दिखाए जो 1952 में हुआ था और 1982 में ख़त्म हो गया था। नाला क्योंकि बहुत छोटा था और नाले का ख़त्म हो गया था, इसलिए उसका रिन्यूअल नहीं किया गया। तो बैठक में क्या निर्णय लिया गया? शासन से बात करेंगे, यहाँ के जितने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की जाएगी कि एक तरफा नियम नहीं करा जाए। और ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर लोगों को अधिकार है। सबूत तो जिलाधिकारी महोदय को दिए जा रहे हैं, लिखित में लेटर भी दिया जाएगा, लिखित में जवाब भी दिया जाएगा। सवाल ये है जिस आधार पे उन्होंने ये निर्णय लिया है, हमें वो कागज़ चाहिए, हमें वो शिकायती पत्र चाहिए, या वो ऐसा चाहिए जिससे नगर पालिका का हमें ये पता चले नगर पालिका ने अपना मालिकाना हक दिखाया कि ये है, किस किस के आधार पे जो है। जी सर, देखिए ये एक हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसे थोड़ा सा समय और बढ़ाया जाए, क्योंकि ये एक छोटी चीज़ नहीं है। तो 1908 तक के जो है रिकॉर्ड्स हैं, सब चीज़ों को प्रेजेंट करना। देखिए कीमत की नहीं, इसकी कीमत नहीं आकी जाती किसी, जैसे व्यक्ति की किसी की कीमत नहीं होती, ऐसी दुकानों की कीमत या मार्केट की वैल्यू नहीं होती। ये तो मार्केट है, सभी भाइयों की है, व्यापार चल रहा है, सबका चल रहा है। लगभग कितने व्यापारी यहाँ पर, जो व्यापार चल रहा है यहाँ? 800 दुकान के लगभग हैं और सबसे जुड़ते हुए, और करीबन इनसे जो है 8000 आदमियों का कम से कम घर की रोटी चल रही है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी से एक सप्ताह से अधिक समय दिए जाने की मांग की गई है। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।